हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न थ्री क्वेश्चंस इन इंग्लिश चैप्टर. फर्स्ट द थॉट केम टू हिज टेन थिंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू थ्री थिंग्स. वंस टाइम द किंग थॉट, राजा ऐसे सोचता था कि मेरे पास ऐसे थ्री क्वेश्चन है, उसके आंसर मुझे मिल जाए तो मैं कभी फेल हो सकता नहीं. व्हाट द थ्री क्वेश्चंस? दीज थ्री क्वेश्चन वेयर वॉट इज द राइट टाइम टू डिग सम थिंग्स. तो वो ऐसे बताता है, वो थ्री क्वेश्चन में से फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन ऐसा है कि वो किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे सही समय कौन सा होगा. विच पीपल शुड बी लिसन टू, और उसे कौन से लोग ध्यान से सुनेंगे या वैसे करेंगे. वॉट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, तो उसी कार्य को करने के लिए कौन सा मीन्स कौन सी थिंग्स सही होगी वो कार्य को कंप्लीट करने के लिए. तो राजा द किंग्स देयरफॉर सेंट द मैसेंजर्स थ्रू हिज किंगडम्स तो राजा उनके जो मैसेंजर थे मीन्स उनके जो मैसेज भेजने वाले लोग थे उसे उसने राजा में भेज दिया और उसे कहता है प्रॉमिसिंग आई लाइक सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वी वुड आंसर दिस थ्री क्वेश्चंस. और राजा ने ऐसे किया कि अगर मेरे इन थ्री क्वेश्चन के आंसर जो दे देगा उसे मैं अवार्ड कर मीन्स उसे कुछ गिफ्ट दूंगा, इनाम दूंगा. वैसे मुझे ना कहता वो तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था उसका, तो व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन सम थिंग्स. सेकेंड वही था व्हिच पीपल शुड बी लिसन टू. What is the most important things for him to do? ये थ्री क्वेश्चन जो है वो जो आंसर देगा पूरे राज्य में से उसे एक इनाम दिया जाएगा. वैसे राजा ने कहा तब क्या हुआ, तो many wise men came to the king's but they all answered his questions differently. तभी उसी टाइम पे राजा के दरबारी जो कहते courtier या वाइज मैन उसी कोर्ट में आते हैं और दरबार में आके बताते हैं उनके ओपिनियन. तो ओनली इन दिस वे, तो फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर के देने के लिए उसी रास्ते से उन्हें बताया. दे सेड, उन्होंने कहा कि कुड ही डू एवरीथिंग इज द प्रॉपर टाइम. तो किसी ने ऐसे कहा कि जो कोई सारे जितने भी वर्क है एडवांस द राइट टाइम. वन सेकेंड मुझे पुश कर देना. तभी फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन की रिप्लाई में इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन में रिप्लाई में ये आंसर सम से कुछ लोगों ने कहा कि सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल. राजा को क्या करना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए क्या करना एंड देन फॉलो इट स्ट्राइकली, और उसी टाइम टेबल को स्ट्राइकली से फॉलो करना चाहिए. जैसे कि हमारे स्कूल का टाइम टेबल है उसी तरह से वो राजा फॉलो करेगा किंग. ओनली इन दिस वे, उसी रास्ते से उन्होंने कहा कुड ही डू एवरीथिंग एट दिस प्रॉपर टाइम, और उसी को जो एडवांस में किया गया वर्क का जो प्लानिंग है उसी प्लानिंग को प्रॉपर टाइम में भी कंप्लीट करना पड़ेगा. अदर सेड, कुछ लोगों ने कहा मिस वाइज मैन ने कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग सम थिंग्स. तो ये जो है वर्क है किसी ने अभी कुछ किया नहीं है फिर भी उसके लिए पहले से एडवांस में कोई डिसीजन लिया जाए तो वो सही नहीं है. कैसा बताया गया, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन. राजा ने उसके पर जो वाइज मैन ने बताया जो अदर पीपल ने बताया तो राजा ने अच्छी तरह से उसे नोटिस किया और अवॉइड फुलिश मेजर, और ये सलाह जो थी उसे राजा ने क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया. And always do whatever seems necessary at that time. और हमें ऐसे भी बताए कि always जो वर्क है उसके लिए उसी समय पे डिसीजन लिया जाए मीन्स सिमिलर उसी तरह से देखना चाहिए. एंड अदर सेड, तब बाकी जो बचे थे कुछ लोग उन्होंने वाइज मैन ने फिर से सजेस्ट किया इधर कि नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन. तो कुछ लोगों ने वैसे सजेस्ट किया कि एक पूरी काउंसिल मीन्स कॉर्टियर बनानी चाहिए काउंसिल में, और
वो भी वाइज मैन और अच्छे गुड पर्सन होने चाहिए। हु वुड हेल्प हिम एट द प्रॉपर टाइम, और वही लोगों को उसी टाइम पे वो डिसीजन लेकर बताएगा। दैट दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड द इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। तब एक इंसान वैसे बोल देता है कि ये जो तुम बता रहे हो वो पूरी क्वार्टियर किसी एक लिए इम्पॉसिबल है, वो सही नहीं है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की हेल्प लिए बिना, मीन्स राजा जो कार्य करने के लिए जा रहा है उसी कार्य को किसी की हेल्प लिए बिना अपने आप डिसीजन कैसे लेगा विदाउट क्वार्टियर। द राइट टाइम फॉर द एवरी एक्शन, तभी ये एवरी एक्शन का राइट टाइम होगा। बट अदर्स से तब कुछ लोगों ने कहा there some things which could be urgent, तो कुछ लोगों ने वैसे भी है क्या, वो भी सही है, क्योंकि हम जहां जाते हैं वहां कौन सा डिसीजन लेने वाले वो पहले से प्लानिंग में होता नहीं। नहीं, अर्जेंट डिसीजन, हार्ड एंड फास्ट को डिसीजन लेना है तो वो कैसे लिया जाए वो बताता है। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन फॉर द काउंसिल, और वो समय भी ऐसा होगा कि तुम किसी काउंसिल का वेट नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, तो भी तुम्हें ऐसा होगा कि अभी ना अभी मुझे डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन मुझे कैसे लेना चाहिए वो बताते हैं। इट इज नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, और उसी जगह पे उसी क्वेश्चन में उसी टाइम पे फ्यूचर को देख कर डिसीजन लेना है, तो उसी जगह पे तो काउंसिल पॉसिबल ही नहीं है। तो हाउ पॉसिबल इट, तो ये मैं उसका अपोजिट बता रहा है। एंड ओनली द मैजिशियन कुड डू दैट, और उसने वैसे कहा कि एक मैजिशियन आता है जैसे हैंकर चिप में से फ्लावर बना जाता है उसी तरह मैजिशियन को डिसीजन लेना चाहिए, मैजिशियन होना चाहिए इसी तरह से। इन द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, तब सेकंड क्वेश्चन के आंसर में सम से कुछ लोगों ने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर इज द काउंसिलर, तो कुछ लोगों ने वैसे कहा कि जहां राजा होता है वहां उसकी पूरी काउंसिल की नेसेसरी होती है। अदर से कुछ ने कहा द प्रेस में हम कहते हैं पुजारी प्लेयर, जो लोग अच्छे होते हैं वो जो लोग अच्छी तरह से काम करते हैं वो प्रेस्ट हम से पुजारी भी कहते हैं, और मौलवी जो मुस्लिम होते हैं वही कहते हैं तो प्रेस्ट होना चाहिए। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, कुछ लोग वैसे कहते हैं कि डॉक्टर भी होने चाहिए। एंड एट अदर से, और बाकी जो कुछ लोग बचे हैं थोड़े से वो बताते हैं दैट इज अ सोल्जर वेयर द मोस्ट नेसेसरी, ये सब तो ठीक है लेकिन जो बाकी बचे कुछ लोग हैं कि उनमें सबसे इंपॉर्टेंट सोल्जर का ही होना चाहिए बाकी कुछ किसी का भी नहीं। टू द थर्ड क्वेश्चन, तब राजा के जो कुछ वाइज मैन थे वो थर्ड क्वेश्चन की ओर वो चले जाते हैं और कहते हैं सम सेड साइंस, कुछ ने लोग कहा कि साइंस इंपॉर्टेंट है, साइंस इतना इंपॉर्टेंट है कि हम हर पल हर दिन सुबह से शाम तक साइंस से जुड़े हुए रहते हैं, तो वो साइंस पर बता रहे थे। अगर जो इस फाइटिंग, तो कुछ लोग वैसे कहा जाता है कि तलवार की धार से जीता जाता है कि नहीं विज्ञान से, ऐसे बता के वो कहते फाइटिंग से जीते हैं, मैं झगड़ा करके जीत सकते हैं जैसे हिटलर एंड मुसोलिनी वैसे। एंड एट अदर साइड रिलीजियस वर्शिप, कुछ लोग वैसे कहते हैं कि पूरी कंट्री को वर्शिप में अच्छी तरह से रिलीजियस बना जाए, धार्मिक बना जाए, धार्मिक बुद्धि निर्माण की जाए तो वो अच्छी तरह से रह सके। एज आंसर दिस क्वेश्चन वेयर डिफरेंट द किंग्स वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा ने सबके आंसर सुने और अच्छी तरह से गौर भी किया सभी क्वेश्चनों के आंसर पर, लेकिन फिर भी जो किंग था उसे इन आंसरों से कोई सेटिस्फेक्शन लग रहा नहीं था। एंड गेव नो रिवॉर्ड, और राजा ने कोई इनाम नहीं दिया और उसे बाहर रख दिया। इंस्टेड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ द सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, राजा के उधर होगा जो पूरा किंगडम उससे दूर एक वाइज मैन रहता था जो हर्मिट कहता था, वो कूल अकेला ही रहता था और थोड़े जंगल में दूर रहता होगा, तो राजा ने सोचा कि वो अच्छा और वाइज मैन है
तो मैं जरा उसे जाके मिलूं। वैसे उसकी विजडम के बारे में राजा ने सुना था, जैसे हमने बीरबल के बारे में, तेनालीरामन के बारे में, वैसे ये इसने इसके बारे में सुना था राजा ने भी। द हर्मिट लिव्ड इन वुड, राजा जो हर्मिट था वो कहाँ रहता था, वुड में स्मॉल फॉरेस्ट, वो स्मॉल में छोटे जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, वो वहीं था, वहां से वो कभी बाहर निकलता नहीं था, उसी जगह पे वो रहता था। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, मींस ऐसा माना जाता था कि राजा भी जानता था और पीपल भी जानते थे कि वो सिर्फ सिंपल पीपल को ही मिलता था, जैसे वो हाई फाई पीपल बोलते हैं हम भी आज के जमाने में मॉडर्न पीपल, उसी तरह उसको मॉडर्न नहीं लेकिन सिंपल पीपल को ही मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ, इसीलिए राजा ने क्या किया, अपने पूरे क्लोथ बदल के एक सिंपल क्लोथ अपने ऑर्डिनरी में बिल्कुल सिंपल कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रिटर्न द हर्मिट हर्ड किंग्स लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, जब वो हर्मिट की ओर जा रहा था, उसकी हर्ड से नजदीक जा रहा था, तो दूर से पता चला कि अभी उसकी हर्मिट पास में आ रही है, तो उसने क्या किया, उसका जो हॉर्स था मिस घोड़ा था वो उसने अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया और वो अपने पैदल चला जाता था। तब और पैदल भी गया लेकिन अकेला गया, किसी को साथ में लिए बिना गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, ऐसे चलता चलता राजा वही हर्मिट की हट के पास पहुंच जाता। ही सो द हर्मिट इज डिगिंग ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो उसी वक्त जो हर्मिट था वो कुछ ना कुछ काम करता था, इसीलिए वो हर्मिट उसके हर्ट के सामने डिगिंग करके, बीस कहते ना हम क्यारा, वो बना रहा था डिगिंग कर करके। He greeted the king, उसने उसी तरह से वो राजा को वेलकम किया एंड कंटिन्यू डिगिंग, और उसका काम करना कंटिन्यू किया। जैसे कि हम फार्म में काम करते हैं, कोई हमारे गेस्ट आते हैं तो हम उससे मिलते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसके साथ भी बैठ जाते हैं, लेकिन ये हर्मिट ने वैसा नहीं किया। राजा था, इंसान था, फिर भी वो अपने आप चुप साइलेंटली अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर द हर्मिट वॉज ऑल्ड एंड वीक, हर्मिट एक ऐसा इंसान था बहुत ऑल्ड भी था और कमजोर भी था, फिर भी वो काम करता था। एंड एज ही वर्क्ड बी ब्रीथेड हैवी, उसे वो काम करते 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 उसकी श्वास भी हैवीली हार्डली मींस उसे ब्रीथिंग करने में भी प्रॉब्लम होती थी, वैसे फॉर्म लगती थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा बिल्कुल हर्मिट के पास पहुंच जाता है और बोलता है, क्या बोलता है, आई हैव कम टू यू वाइज मैन वाइज हर्मिट, तो राजा ने कहा कि हे वाइज मैन मैं तेरे ही पास आया हूं, दूसरे किसी के पास नहीं, टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चंस, और राजा कहता है तू मेरे तीन सवालों का जवाब दे। तो क्या हुआ है, हाउ कैन आई लर्न टू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, उसने पहले क्वेश्चन यहां फिर से रिपीट किया है कि मेरा सही क्वेश्चन मिस जो वर्क था वो लर्न कैसे उसे सही टाइम पे किया जाता है। हु आर द पीपल आई नीडेड मोस्ट, और मुझे कौन से लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है वो बताए। एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कौन सी एक्टिविटी जो कौन सा कार्य हो वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कौन सी बाबत है वो सारी चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द हर्मिट स्टैंडर्ड टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, हर्मिट भी बहुत जॉली इंसान था और वाइज भी था, उसने एक भी वर्ड वहां बोला नहीं, साइलेंटली वो राजा को सुनता रहता है। तब ही वेंट ऑन डिगिंग, और फिर से वो क्वेश्चन सुनने के बाद अपना काम करना उसने फिर से स्टार्ट कर दिया। यू आर टायर्ड, राजा ने कहा, एक मैन मिस वो हर्मिट को बोल रहा था कि तुम अभी बहुत थके होगे, इसीलिए तुम्हें क्या करना है मुझे प्राइवेट होने दो, यू आर टायर्ड थके हुए हो। सेड द किंग, राजा ने कहा, लेट मी टेक अ स्प्रेड, मुझे हम जैसे पावडर उदाल या स्प्रेड करते वही चीज कहीं मुझे दे दो। एंड वर्क इन योर प्लेस, और मैं भी बहुत काम में तुम्हारी मदद
जो काम कर रहे हो उसमें मैं मदद करूं। थैंक्स सेड हर्मिट। हर्मिट ने दूसरा एंड नो एनी वर्ड स्पीक ओनली सेड द थैंक्स एक वर्ड बोला एंड गिविंग द किंग्स गिव्स हिज स्पेड्स और राजा को उसके हैंड्स में जो उधारी थी वो उसे राजा को दे दी। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड और पास में जाके वो ग्राउंड पे बैठ जाता है। When the king had the two beds, राजा ने दो क्यारे जितना वो जगह बिगिन कर दी। He stopped and repeated his questions. वो बीच बीच में राजा अपना वर्क रोक रोक कर उसके questions को रिपीट कर रहा था। Then Hermit gave no answer. लेकिन Hermit एक भी आंसर नहीं देता था। हमें भी ऐसा लगता है कोई आंसर ना दे तो तुरंत उसे अवॉइड करके हम गुस्से में आकर चले जाते, लेकिन यहाँ तो वो किंग था और वो भी समझदार था और हर्मिट भी समझदार था, इसलिए ने किसी ने किसी को कुछ कहा नहीं और वैसे काम करते रहे। बट स्टूड लेकिन वो खड़ा हो जाता है। राजा ने जब स्टॉप करके खड़ा होने के क्वेश्चन रिपीट किए तब वो फिर से खड़ा हो जाता है और स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्प्रेड और उसके राजा के हैंड्स में से वो स्प्रेड ले लेता है। नाउ यू रेस्ट और बोल देता है कि अभी तुम क्या करो, रेस्ट करो, लेट मी वर्क और काम मुझे करने दो। हम ऐसा नहीं करते, हम तो कहते बस तुमने रेस्ट कर लिया तो काम आगे स्टार्ट कर, लेकिन ये तो हर्मिट था और राजा था इसलिए उसने अपने विजडम से वो हर्मिट वो स्प्रेड दे देता है राजा के पास से और उसे फिर से वो काम करने के दे देता है और राजा को बोल देता है कि तुम अभी थोड़ी देर के लिए आराम करो। But the king did not give him the spade. जो राजा उसे स्प्रेड दे देता तो हमारे मन में जैसे क्वेश्चन चल रहे वैसे क्वेश्चन वहां भी चलते और बोलता कि तुम अब जा सकते हो, लेकिन राजा ने वो स्प्रेड दी नहीं है कि वहां उसे जाने का कोई चांस नहीं मिला। एंड कंटिन्यू ड्यूटी और कंटिन्यू राजा ने कर दिया जो काम था वो डिलीवर कर दिया। वन आवर पास आधा घंटा और उसके बाद वन आवर पास हो गया था, कंटिन्यू चल गया था। Then another, और फिर से भी चल रहा था। The sun went down behind the tree. और हमें पता है कि जब शाम का वक्त होता है तो जंगल में सबसे पहले सन जो ट्री होते है उसके पीछे छुपने के लिए आ जाता है। And last the king struck the spade into the ground. लास्ट में राजा वो स्पेड वो जो क्यारी बना रहा था वो डिगिंग क्यारी में उसने वो छोड़ दी। एंड लास्ट किंग स्टॉप द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड वो छोड़ के वैसा बोलता था है आई केम टू यू और मैं तुम्हारे पास आया हूं किसी और के पास नहीं। वो बार बार क्वेश्चन करता था फिर भी वो हर्मिट ने एक भी आंसर नहीं दिया था, इसीलिए राजा लास्ट तक मोमेंट पे वो सन ने शाम होने आई थी शाम का वक्त हो गया था तब राजा उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास आया हूं किसी और के पास नहीं, तुम्हें मुझे आंसर देना पड़ेगा। वैसे वो जीत कर रहा है। आई कैन टेल यू वाइज मैन फॉर द आंसर माय क्वेश्चंस इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम्हें ऐसे आंसर नहीं दोगे तो वो क्या कर रहा है टेल मी सो एंड विल बी रिटर्न होम, तुम मेरे क्वेश्चनों का आंसर नहीं दोगे तो मैं क्या करूंगा मैं अपने घर पे जा जाऊंगा। हियर कम संबंध रनिंग एंड सेड हर्मिट, तो वहां कोई आता है उस आने की आवाज सुनाई देती है और राजा मिस हर्मिट राजा को कुछ कहता है वो हम नेक्स्ट पीरियड में सीखेंगे।